हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है राज वेब स्किल में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को HTML के 50 MCQ क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, जो बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत सारे इंटरव्यू में उस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो चलिए, वो क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैंने HTML के 100 MCQ क्वेश्चन एंड आंसर अप्रॉक्स मैंने इसमें 50 MCQ क्वेश्चन बनाया है, 100 नहीं बनाया है। मैंने 50 MCQ क्वेश्चन को रेडी किया है, साथ में उसका आंसर भी है, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, HTML स्टैंड फॉर। देखिए, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नंबर टू, हु इज द डेवलपर ऑफ HTML? HTML को डेवलप किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीम बर्नर्स ली। HTML को डेवलप किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा टीम बर्नर्स ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, HTML वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड इन द ईयर .. HTML को कब प्रपोज किया गया था? जो फर्स्ट प्रपोज किया गया था वो किस ईयर में उसको प्रपोज किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर है बी, राइट आंसर 1990 में इसको प्रपोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर, HTML प्रोग्राम इज सेव्ड बाय यूजिंग द .. एक्सटेंशन। यानी कि जो HTML के प्रोग्राम को सेव किया जाता है तो उसका जो एक्सटेंशन होता है क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, .html। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज HTML? HTML किस टाइप का लैंग्वेज होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्रिएट HTML पेज यू नीड .. मतलब HTML के पेज को क्रिएट करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर ए वेब ब्राउजर, ऑप्शन नंबर बी टेक्स्ट एडिटर। यानी कि हमको एडिटर की भी ज़रूरत पड़ती है और रन कराने के लिए वेब ब्राउजर की भी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML यूजेस .. HTML किस में यूज किया जाता है? HTML के यूजेस क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिक्स्ड टैग्स डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। इसमें क्या गया है, HTML में एक फिक्स टैग डिफाइन किया गया है लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एट नंबर, चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक द नेक्स्ट बोल्ड। ठीक है, इसमें राइट आंसर बताना है कि अगर HTML टैग में अगर किसी को बोल्ड करना है तो हम लोग उसके लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, बोल्ड। बी टैग को बोल्ड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ नंबर, चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक। इसमें से कौन सा टैग का यूज करके हम लोग इटैलिक टेक्स्ट को लिखते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन टेन नंबर, विच टैग इज यूज टू डिफाइन ए लाइन ब्रेक। यानी कि HTML में कौन सा टैग का यूज किया जाता है लाइन को ब्रेक करने के लिए? इसका राइट आंसर होगा बी आर टैग का, इसका राइट आंसर होगा बी आर टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द बी आर टैग ऐड टू योर वेब पेज? मतलब जो बी आर टैग है उसको वेब पेज में हम लोग कैसे ऐड करते हैं, किस पर्पस से ऐड करते हैं? तो इसका पर्पस होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए, लाइन ब्रेक करने के लिए हम लोग बी आर टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैराग्राफ टैग इन HTML? यानी कि इसमें से कौन सा टैग है जो पैराग्राफ के लिए यूज किया जाता है HTML में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पी टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, HTML इज ए सबसेट ऑफ। HTML का सबसेट इसमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, SGML। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है HTML इज ए सबसेट ऑफ, तो इसका राइट आंसर होगा SGML। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल HTML टैग्स आर इंक्लोज्ड इन व्हाट? जितने भी HTML टैग होते हैं वो इंक्लूज किससे होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, स्टार्टिंग में ऐसे होता है, क्लोजिंग ऐसे हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, द बॉडी टैग इज यूजुअली यूज्ड आफ्टर।
जो बॉडी टैग है वो एचटीएमएल में किसके बाद यूज होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेड टैग। हेड टैग के जस्ट बाद बॉडी टैग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टैग इनसाइड टेबल टैग इज द डॉट। यानी कि टेबल जो टैग होता है उसमें क्या क्या, उसके इनसाइड में क्या होता है, ठीक है, जो फर्स्ट टैग होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैप्शन टैग। ऑप्शन नंबर सी, कैप्शन टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू इंसर्ट ए लाइन ब्रेक इन एचटीएमएल। यानी कि इसमें से कौन सा टैग यूज किया जाता है एचटीएमएल में लाइन ब्रेक को, लाइन ब्रेक के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीआर टैग। बीआर टैग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट द क्लोजिंग ऑफ ए टैग इन एचटीएमएल। इसमें से कौन सा कैरेक्टर है जो एचटीएमएल को, एचटीएमएल का टैग क्लोजिंग करते समय उस टैग का यूज होता है टैग के साथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिख रहा है ना, इस कैरेक्टर का यूज किया जाता है क्लोजिंग करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, विच टैग टेल्स द ब्राउजर वेयर द पेज स्टार्ट्स एंड स्टॉप। यानी कि जो ये बोल रहा है कि कौन सा टैग है जो मतलब स्टार्ट जिससे किया जाता है फिर वहीं पे स्टॉप होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एच टी एम एल टैग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, इन एच टी एम एल टैग्स डैट इंक्लूड बोथ ऑन एंड ऑफ टैग्स आर कॉल्ड। जो एच टी एम एल टैग में दो होते हैं, एक ऑन होते हैं एक ऑफ होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंटेनर टैग। उसको हम लोग कंटेनर टैग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, विच कलर हैज़ द सेम अमाउंट ऑफ ऑल द ओरिजिनल कलर्स। इसमें कौन सा अमाउंट हम यूज करेंगे एच टी एम एल में कि वो एक ओरिजिनल कलर्स देगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाइट ब्लैक एंड ग्रे। एक एक सेम कलर अमाउंट ऑफ कलर होता है एच टी एम एल में, जिसको हम लोग डब्ल्यू बी जी बोलते हैं। यानी कि डब्ल्यू मतलब वाइट, बी मतलब ब्लैक, जी मतलब ग्रे, ठीक है, वाइट ब्लैक एंड ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बेटर वे टू इस्टेब्लिश ए बेस यू आर एल इज टू यूज द डॉट एलिमेंट। एक मतलब जो बेस यू आर एल जो इस्टेब्लिश किया गया था बेटर वे में, उस एलिमेंट का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 23 नंबर, फुल फॉर्म ऑफ यू आर एल इज, यू आर एल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, विच प्रोग्राम डू यू नीड टू राइट एच टी एम एल। यानी कि एच टी एम एल के प्रोग्राम को राइट करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? इसका राइट आंसर है एनी टेक्स्ट एडिटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एनी टेक्स्ट एडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कंटेनर ऑफ टी आर टैग, टी एस टैग एंड टी डी टैग। मतलब ये बोल रहा है कि टी आर, टी एस एंड टी डी टैग किस में इसको कंटेन करता है, किस में इसको कंटेनर के तौर पे हम लोग कौन सा टैग है जिसके अंदर इसको रखते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेबल टैग। टेबल टैग के अंदर ये तीनों चीज़ आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एच टी एम एल एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन इन लाइन स्टाइल्स। मतलब बोल रहा है कि एच टी एम एल एट्रीब्यूट में हम लोग इन लाइन स्टाइल अगर यूज करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टाइल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 26 नंबर तो समझ गए, 27 नंबर समझते हैं, व्हाट टैग वुड यू ऐड टू स्पेसिफाई ए फॉन्ट फॉर योर होल पेज। मतलब इसमें कौन सा टैग है जिसको ऐड किया जाता है फॉन्ट को स्पेसिफाई करने के लिए होल पेज पे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिफॉल्ट फॉन्ट, डिफॉल्ट फॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एच टी एम एल टैग प्रोड्यूसेस द बिगेस्ट हेडिंग। मतलब इसमें बताना है कि आपको कौन सा टैग है जो उसको एच टी एम एल में बिग हेडिंग के लिए यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एच वन टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, द बेस्ट टैग इज डिजाइन्ड टू अपीयर ओनली बिटवीन डॉट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेड टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 30 नंबर, व्हेन इज द कंटेंट ऑफ ए टेबल शो। मतलब जो टेबल शो में जो कंटेंट शो होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आफ्टर द टेबल इज लोडेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द बॉर्डर एट्रीब्यूट इज, यानी कि बॉर्डर एट्रीब्यूट का एक डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 पिक्सल, 1 पिक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ऑल नॉर्मल वेब पेजेस कंसिस्ट ऑफ डॉट डॉट, इसका राइट आंसर होगा हेड एंड बॉडी। मतलब बोल रहा है कि ऑल नॉर्मल वेब पेजेस में जो जो टैग कंसिस्ट करते हैं वो क्या करते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेड एंड बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्रिएटेड ए बुलेटेड लिस्ट यूज डॉट डॉट, मतलब किससे हम लोग बुलेट लिस्ट बना सकते हैं, किस टैग के द्वारा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएल टैग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 समझते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लिस्ट विल ओएल टैग टैग्स क्रिएट, मतलब ओएल टैग जो होता है उसे हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, किस टाइप के लिस्ट को तैयार करते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नंबर्ड लिस्ट, क्या नंबर्ड लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज द सेल पैडिंग मीन्स, मतलब अगर सेल पैडिंग को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन सेल एंड कंटेंट, यानी कि सेल और कंटेंट के बीच में डिस्टेंस को क्या कर देता है, ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML टैग्स आर रिकॉग्नाइज बाई, HTML टैग्स को रिकॉग्नाइज किसने किया, कैसे किया गया था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओपनिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग एरो सिंबल, मतलब टाइप का दिख रहा है, इसी से हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसी से हम लोग HTML टैग्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैग एड्स ए पैराग्राफ ब्रेक आफ्टर टेक्स्ट, मतलब बोल रहा है कि कौन सा इसमें टैग यूज किया जाएगा वो पैराग्राफ के बाद ब्रेक हो, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पी टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। द टैग फॉर टाइटल टेक्स्ट फॉर रोज एंड कॉलम ईच, जो टाइटल होता है किसी भी HTML पेज में उसका टेक्स्ट ऑफ रो एंड कॉलम्स क्या होना चाहिए टाइटल में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, TH, ऑप्शन नंबर ए, TH टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी रिटन विद 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1024 किलोबाइट, 1024, ठीक है, 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, द सिंबल यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द HRF टेस्ट इज, मतलब बोल रहा है जो सिंबल बिगिनिंग लेवल में HRF जो यूज किया जाता है टेस्ट के साथ उसमें क्या यूज करते हैं, कौन सा सिंबल, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हैस। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, हाउ कैन यू मेक ए लिस्ट दैट लिस्ट द आइटम्स विद नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, विच टैग कैन सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर योर पेज, यानी कि पेज पे हम लोग बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करते हैं, किस टैग के द्वारा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉडी, यानी कि सॉरी पेज पे हम लोग बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करते हैं, किस टैग के द्वारा करते हैं, किस टैग में करते हैं, तो हम लोग बॉडी टैग में करते हैं, किस में सेट करते हैं, बॉडी टैग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, विच टैग विल एड रोज टू योर टेबल्स, मीन्स कि इसमें बोल रहा है कि कौन सा टैग हम लोग यूज करेंगे रोज फॉर टू योर टेबल क्रिएट करने समय, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, TR टैग, TR टैग से हम लोग रोज बना सकते हैं और टेबल में हम लोग TR टैग को राइट करके ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, GIF एंड JPG आर द टू मेन टाइप्स ऑफ किसका, मतलब जो GIF एंड JPG जो है वो टू मेन टाइप्स हैं किसका, इमेजेस का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इमेजेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अंडरलाइन टैग, इसमें से कौन सा टैग है जिसका यूज हम लोग अंडरलाइन के लिए यूज करते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यू टैग, कौन सा टैग, यू टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज ए स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग, मतलब इसमें से कौन सा HTML टैग में कौन सा टैग है जिसको हम लोग स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग के लिए यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्री टैग, कौन सा, प्री टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली डेयर आर, मतलब जनरली डेयर आर
मतलब जो HTML में जनरली जो होते हैं हेडर्स वो कितने होते हैं, तो वही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 हेडर्स इन मोस्ट HTML पेज। मतलब HTML पेज में 6 हेडर्स हम लोग लगा सकते हैं, लाइक H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, पी टैग इज कॉल्ड, पी टैग को हम लोग क्या बोलते हैं, किसके लिए यूज करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैराग्राफ टैग। कौन सा टैग? पैराग्राफ टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, द एचआर टैग इज यूज फॉर, एचआर टैग का यूज हम लोग किस लिए करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉरिजॉन्टल रूलर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, विच HTML टैग इज यूज टू डिफाइन स्मॉलर टेक्स्ट, मतलब इसमें कौन सा HTML का टैग है जिसका यूज हम लोग स्मॉलर टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्मॉल टैग, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रहा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन भी कीजिए साथ में। बाय, टेक केयर।